we were doing the reaction with the water, and we have done some of react very violently with water like sodium and potassium. ठीक है, और फिर हमने कैल्शियम की करी जो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है. नाउ कम टू मैग्नीशियम, राइट डाउन मैग्नीशियम. मैग्नीशियम प्लस वाटर, एंड नाउ यू विल टेक हॉट वाटर फॉर दिस एंड यू विल गेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन. तो द फर्स्ट सोडियम एंड पोटेशियम के लिए हमने कोल्ड वाटर ही ले लिया, कैल्शियम के लिए हमने रूम टेम्परेचर लिया डिपेंडिंग कितनी जल्दी कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, मैग्नीशियम के लिए हमने हॉट वाटर लिया, और जैसे आयरन एल्युमिनियम जैसे हैं हमने घर पे भी देखा होगा उनको इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं होती. अब गर्म पानी डालोगे ये नहीं कि ऑक्साइड बन जाएगी, ठीक है, ग्रेजुअली टाइम के साथ आयरन की ऑक्साइड बनती है, दैट इज रस्ट. मगर एज ए लैब में आपने बनाना हो तो आपको स्टीम देनी पड़ेगी, वो भी हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगी, उसकी ऑक्साइड बनेगी. रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड टू टुवर्ड द हाइड्रोक्साइड. ये भी जो आप रिएक्शन जितनी लिख रहे हो बेटे, सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ कंबाइन होके पहले ऑक्साइड्स बनाती हैं, क्योंकि मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इसलिए वो हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं. ठीक है, मगर कुछ मेटल्स हैं जैसे आयरन है, एल्युमिनियम है या जिंक है, ऐसे मेटल्स आगे हाइड्रोक्साइड तक नहीं पहुंचते, तो वो ऑक्साइड तक ही हो जाते हैं. जैसे कि अगर मैग्नीशियम की ऑक्साइड लू, वो वाटर के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोक्साइड ही बनाएगी, ठीक है. मगर होता क्या है कि मेटल्स जो वाटर के साथ कंबाइन होके पहले ऑक्साइड्स बनाती हैं, फिर ये ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड दे देती हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये जल्दी वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो ये ऑक्साइड तक रिएक्शन स्टॉप नहीं होती इनकी, ये फर्दर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं. मगर कुछ मेटल्स हैं जिनकी ऑक्साइड तक ही रिएक्शन रुक जाती है एक बारी. राइट डाउन एल्युमिनियम विद वाटर, आयरन विद वाटर. Where your duster, you are raising the board. So write down aluminium and iron. इनकी रिएक्शन बेटे ऑक्साइड की स्टेट में ही रुक जाती है, ठीक है. यू विल टेक वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, यू विल टेक वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, सो इट विल स्टॉप एट द ऑक्साइड स्टेट ओनली. You will balance the reaction yourself. अब मेटल, इसके बाद मेटल की रिएक्शन एसिड से, जो हम प्रीवियस चैप्टर में भी कर चुके हैं. एसिड डू रिएक्ट विद द मेटल, यू हैव डन इन द प्रीवियस चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट, सेम वही रिएक्शंस हैं बेटे. यस अरमान, एक बार आयरन और वाटर वाली रिएक्शन समझाना कैसे किया आपने. बेटे आयरन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, कैसे किया मतलब. मैम Fe2O3 नहीं होगा बेटे, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है. Fe2O3 इसमें फेरिक स्टेट में है, ये फेरिक और फेरस स्टेट में, दोनों में. ओके नो बैलेंसिंग यू विल डू योरसेल्फ, दिस इज योर होमवर्क ऑलवेज. नाउ एनी मेटल रिएक्ट विद एन एसिड to give
मेटल सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट लिखे यहाँ पे, प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये तभी होगा जब मेटल एसिड से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा। वो फेरिक है, फेरस एंड फेरिक, ठीक है। अब हमें पता है कि जो भी हाइड्रोजन से ऊपर होगा रिएक्टिविटी सीरीज में, वी हैव डन नॉट, वी आर नॉट डूइंग अगेन, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। मगर नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है बेटे, जब उसके साथ मेटल्स को रिएक्ट करते हो तो ये रिएक्शन जनरली नहीं होती। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस आपको नहीं मिलती। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, वो इन मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है और आपको ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, गैसेस मिलनी शुरू हो जाती हैं। क्लास 12th में ही आएगा, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मगर सल्फ्यूरिक एसिड के MnO4 की प्रेजेंस में है। नाइट्रिक एसिड अकेला ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकाल दे, समझ आ रही है? तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, रेदर देन ये रिएक्शन ना दिखा के कि हाइड्रोजन आपको मिलती नहीं है इनमें। क्वेश्चन आता है फिर, कौन से दो मेटल्स हैं जिनके साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है? दीज आर मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। राइट डाउन ओनली टू मेटल्स अगर क्वेश्चन आ जाए MCQ में कि विच मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, दीज आर मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। दिस इज मैग्नीशियम एंड दिस इज मैंगनीज, दीज बोथ रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। टू गिव यू मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन, इट इज कहते हैं मैंगनीज। इज प्रेजेंट इन द डी ब्लॉक, द सी। लकीली यू आर सिटिंग इन द राइट क्लास। मैंगनीज फोर्थ पीरियड में, फोर्थ जो ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है, SCTIVCRMN, फोर्थ पीरियड में जहां पे डी ब्लॉक शुरू होता है, उसका फिफ्थ एलिमेंट देखो, दैट इज मैंगनीज। मजाई स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। मैग्नीशियम इज इन द ग्रुप टू, ग्रुप टू पीयर थर्ड, दैट इज मैग्नीशियम, दैट इज अ एस ब्लॉक मेटल। ओके, सो देन बेटे मेटल आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करी है, वही सेम है। यू कैन डू योर सेल्फ, कोई भी डिस्प्लेस कर सकता है किसी को जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो नहीं किया, दैट इज आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, द फर्स्ट फॉर्मेशन इज ऑफ NaCl। अब आयनिक बॉन्ड बनता क्यों है और आयनिक बॉन्ड बनता किन में? आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल्स और नॉन मेटल्स में, ठीक है। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो मेटल्स जो होते हैं उनका क्या काम है? दे विल लूज इलेक्ट्रॉन,
व्हाई दे विल लूज इलेक्ट्रॉन, एवरी स्पीशीज विल लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक, ऑक्टेट रूल आपने 9th स्टैंडर्ड में किया है कि हर एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन क्यों करता है, कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, इसलिए लूज या गेन करते हैं वो। ठीक है, अब जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं जब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और जो नॉन मेटल्स हैं दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल बेटे, सोडियम विच इज हैविंग एटॉमिक नंबर 11, सो इट इज 281। नाउ इन द लास्ट शेल द सोडियम इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन द लास्ट शेल सोडियम इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसने ऑक्टेट कंप्लीट करना है, या तो इसको 7 कोई दे दे या एक ये किसी को दे दे, तो एक किसी को दे ही देगा, 7 तो कोई देने वाला है नहीं, इसको इतना कोई दान नहीं बैठा। दिस विल रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन। क्यों आता है पॉजिटिव चार्ज? तो Na लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन विल बी लूज्ड, यही होता है। अब आपको पता है कि किसी भी कोई भी एटम इन द एलिमेंट्री स्टेट वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब क्या है? जितने उसमें प्रोटॉन है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 11 प्रोटॉन थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे इसमें। ठीक, अब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन हैज बीन गोन, कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास? 10। तो अब ये बन क्या गया? 2 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए, प्रोटॉन तो उतने ही रहे, प्रोटॉन में चेंज आई। प्रोटॉन कितने ज्यादा है? 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है तो उसका पॉजिटिव चार्ज है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें से क्या गई, एज यू सेड कि इसमें नेगेटिविटी चलेगी, नेगेटिविटी चलने से पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी है, एक ज्यादा है, क्योंकि प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा पड़ा है न्यूक्लियस में। समझ आ रही है? अब टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीन, अब ये ही एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब ये क्या है? 287, 17। अब इसको लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो ये किससे गेन करेगा? सोडियम से। सोडियम कितने दे सकता है? एक, एक ही क्लोरीन को चाहिए, तो ये गेन कर लेगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा? Cl-, और ये क्या बन जाएगा? 288। अब इसके पास भी 17 प्रोटोन थे, अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटोन को तो कुछ नहीं होता, वो न्यूक्लियस में है, पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18, एक बढ़ गया, वो एक इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज आया। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज, तो बंदे के ऊपर क्या जाती है? नेगेटिविटी। ठीक, सो इसने लूज किया और इसने गेन किया, और ये सब कुछ किस में हो रहा है? वेलेंस शेल में। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड हम वेलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जिसको लुईस सिंबल कहा जाता है। विल ड्रॉ लुईस सिंबल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ द सोडियम? सिंबल ऑफ द सोडियम इज Na हैविंग 1 डॉट, बिकॉज इन द वेलेंस शेल इट इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन ऑनली। ठीक है, अब क्लोरीन, क्लोरीन
वैलेंस शेल में टोटल देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये नहीं कि क्रॉस की बनी हुई है, ये हमने डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन का, तो एक तरफ क्रॉस बना दी। ठीक है, अब जब आयनिक बॉन्ड बनेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहां पे, प्लस प्लस। ठीक है, तो ये क्या बना, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका आया, हम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? यस मैम, यस मैम। सो मैग्नीशियम का लुईस सिंबल कैसे बनेगा, ऐसे, क्योंकि इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो अब एक क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटे, वन, पर मैग्नीशियम तो कितने दे सकता है, टू, तो मींस एक मैग्नीशियम टू क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे सकते, समझ आ रही है, तो एक मैग्नीशियम कितने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या क्रॉस बना दो जैसे मर्जी कर लो, या कलर चेंज कर लेना, तो ये हो गया 287, ये 287, ठीक है। अब एक मैग्नीशियम क्लोरीन को तो एक ही रिक्वायर्ड है, एक क्लोरीन के तो एक ही रिक्वायर्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और दूसरा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यही होगा। तो अगर इसने दो इलेक्ट्रॉन दिए तो ये क्या बन गया, Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। अब एक क्लोरीन ने एक लिया, एक क्लोरीन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज ही है, ये मैम वन थोड़ा कैमरा वन एंगल इलेक्ट्रॉन दिया, सही कर लो, कैमरा क्या सही कर दूं बेटा, एंगल दिख नहीं रहा। तो एक क्लोरीन ने अगर एक लिया है तो दो क्लोरीन ने कितने लिए हैं, एक एक, ठीक है। यहाँ पे Cl2 नहीं लगे अभी, हम यहाँ पे कि दो क्लोरीन ने एक एक लिए, तो हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, तभी तो लिखते हैं MgCl2, का मतलब क्या है कि एक मैग्नीशियम ने दो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं एक एक, समझ आ गई। अब बनाओ मैग्नीशियम ऑक्साइड,
चलो टुमारो विल प्रैक्टिस मोर ऑफ द आयनिक बॉन्ड एंड देन वी विल प्रैक्टिस ऑल द एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस.